प्रतापपुर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो विभिन्न स्थानों से पटरा व लकड़ी लोड गाड़ी जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर पटरा लदा ट्रैक्टर व पिकअप वैन जब्त। प्रतापपुर वन कर्मियों ने दिन शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रैक्टर व पिकअप वैन को जब्त कर लिया। वन क्षेत्र पदाधिकारी राज बल्लभ पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिला था कि कौरा राजपुर मार्ग में चिरान पटरा लदा पिकअप वैन घोरी घाट की तरफ जा रहा है। जानकारी मिलते ही एक टीम गठित कर छापेमारी किया गया, जिसके दौरान घोरी घाट में पिकअप वैन को जब्त किया गया। मौके से तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं दूसरा कोलम लहन जंगल से लकड़ी लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया। वन विभाग को गुप्त सूचना मिला था कोलम लहन जंगल में लकड़ी लदा ट्रैक्टर खड़ी है। मौके से ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। गठित टीम में शामिल वीरेंद्र चौधरी, विकास रंजन, विवेक कुमार, रितेश वकला आदि लोग थे। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने कोरा घोरी घाट मार्ग से पिकअप वैन और पुरमानंद जंगल से अवैध रूप से लदा जलावन लकड़ी एक ट्रैक्टर जब्त किया और पिकअप वैन में हम लोगों ने अवैध रूप से लदा चिरान छल्टा जो कच्चा था उसे जब्त किया और वन परिसर कार्यालय प्रतापपुर में दोनों को सुरक्षित लाकर रखा। कोडरमा में आगामी 10 जनवरी 2022 को जमीन की ऑनलाइन गड़बड़ी और वृद्धावस्था पेंशन के आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के खिलाफ कोडरमा प्रखंड में CPIM का धरना। माकपा ने DVC के द्वारा बिजली कटौती के खिलाफ राज्य सरकार की बिजली दर में 30% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव के खिलाफ, रैतों की जमीन को ऑनलाइन कराने में की गई गड़बड़ी को पंचायत वार कैंप लगाकर ठीक करने, वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पर मेडिकल कैंप लगाकर आय प्रमाण निर्गत करने, 4 माह से बंद पेंशन का तुरंत भुगतान करने, मनरेगा और 25वीं वित्त आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुटियारों में मनरेगा और 15वीं वित्त आयोग में बकाया मजदूरी का भुगतान, आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल करने आदि मांगों पर सोमवार 10 जनवरी को एक दिवसीय धरना आयोजन किया गया। इसमें सफल बनाने के लिए पर्चा लेकर पार्टी कार्यकर्ता गाँव-गाँव भ्रमण कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं द्वारा चुटियारों, कोलगरमा, नौवा डी, बदडीहा आदि ग्रामों में लोक संपर्क अभियान चलाया गया। आगामी 10 जनवरी सोमवार को DVC के द्वारा बिजली कटौती, राज्य सरकार के द्वारा बिजली दरों में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तथा ऑनलाइन में जमीन की गई गड़बड़ी को पंचायत स्तर पर कैंप लगा के ठीक करने के मांग पर, साथ ही साथ मनरेगा वित्त आयोग में खर्चे में जो घपले हो रहे हैं उसके खिलाफ, मनरेगा और वित्त आयोग के कामों में चुटियारों के गांवों के ग्रामीणों मजदूरों को बकाया राशि भुगतान करने के मांग पर तथा अन्य कई मांगे हैं स्थानीय मांगों पर CPIM जिला कमेटी के फैसलानुसार कोरमा प्रखंड में एक दिवसीय धरना COVID-19 के मापदंडों को, मार्गदर्शिका को मानते हुए ये आयोजन किया गया है। संवाददाता रवि छाबड़ा।